टेदर ने $1 बिलियन प्रिंट किया अभी 2 घंटे पहले। USDC प्रिंटिंग कर रहा है, बाइनेंस प्रिंटिंग कर रहा है, सारे स्टेबल कॉइन प्रिंटिंग कर रहे हैं। तो इतना प्रिंटिंग इजिकल टू बल्ले बल्ले इन क्रिप्टो करेंसी, और प्लस एयर ड्रॉप भी मिलेंगे नए नए प्रोजेक्ट्स के। तो क्रिप्टो करेंसी वाले का चांदी है। ये जो सिचुएशन चल रहा है ये पैराडाइम शिफ्ट है। और चलो क्रिप्टो करेंसी वाले पैसा कमाएंगे, बट एक झटके में ख़त्म हो सकता है अगर सरकार से कंट्रोल चला नहीं जाता है तो। क्योंकि अगर ये वर्ल्ड बैंक दुनिया चलाता है, बिल्डरबर्ग ग्रुप, तो एक स्क्रिप्ट लिख के देंगे सारे सरकार को, ये ले मोती छू, वो आएगा बकवास करेगा टीवी पे और एक झटके में सब चला जाएगा। अफकोर्स लोग अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे, लैंड खरीद रहे, तो वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर सरकार चाहे तो एक झटके में चला जाएगा, बिकॉज सरकार इज जस्ट टू पावरफुल। और ये जो चल रहा है लोगों को सताने का काम, बहुत सारे गधे लोग है पड़े जिनको ये चीज का सीरियसनेस समझ नहीं रहा है, क्या बेवकूफ या गोबर खाते हैं कि दूसरा कुछ खाते हैं। क्योंकि ये जो सिचुएशन है, दिस इज गोइंग टू चेंज एंटायर थिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। और देखो अभी कुछ गधे लोग मुझे पूछ रहे थे कि कभी मरेंगे, वीरू कोई है नहीं, और तुम्हारे बॉडी में वीरू के नाम पे कुछ तो डाला जा रहा है, क्या डाला जा रहा है, और खत्म भी नहीं कर रहे, और ले बोल रहे, हर महीने ले बोल रहे। तो ये कोई मजाक नहीं चल रहा है कि तुम्हारे बॉडी में धोखे से कुछ तो डाला जा रहा है, दिस इज अ सीरियस थिंग। तो वो लोग मरे नहीं तो दे थिंक कि हम लोग बकवास कर रहे हैं, और अभी मतलब मरा नहीं, बच गया तू, वापिस अगला महीने भी लगने वाला है, तो लगते रहेगा ये कंटिन्यूस। इससे वो लोग के पास पूरा कंट्रोल चला जाता है, कौन जिएगा, कौन क्लाउड में जाएगा इसका, और वही वो चाहते हैं, कंप्लीट कंट्रोल। तो कंप्लीट कंट्रोल का तो है ही, तो क्या एक्चुअली करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग को मालूम है लोग भड़केंगे, दंगा करेंगे। ग्रेट रिसेट किताब में ही लिखा है वो सब, क्लॉस श्वाब ने लिखा है। तो बंकर बिंकर ये लोग ने खरीद के रखे हैं इन केस दे फेल, बट दे आर नॉट गोइंग टू फेल, आई होप दे आर गोइंग टू फेल, बट अकॉर्डिंग ये जो है प्रोटेस्ट से कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रोटेस्ट यूरोप में मास स्केल में चालू है, लेकिन फिर भी टीवी पे आके उनके प्रधानमंत्री ने या प्रेसिडेंट ने बोल दिया है टोकन मैंडेटरी है। अपने इधर भी बोलेगा, एक्चुअली अपने इधर वो चाय वाला स्टेट्स के कलेक्टर को बोल रहा है 100% होना चाहिए टोकनाइजेशन, तो इधर भी 100% ही होने वाला है, ये मैंडेटरी होने वाला है। यूरोप में मैंडेटरी हुआ है तो इधर भी होगा। उधर प्रोटेस्ट चालू है फिर भी ऐसा सरकार सिंपली डोंट केयर। बड़ा बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट हुआ लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट के बाद 2 दिन बाद रूल मैंडेटरी ही कर दिया। प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा, इनको सत्ता से उतारना पड़ेगा, खुर्ची से उतारना पड़ेगा तभी होगा। एडमिनिस्ट्रेशन में अपने लोग रहेंगे तभी होगा। एडमिनिस्ट्रेशन में वर्ल्ड बैंक के बड़वे, और तुम कितना भी, ये सब किताब में ही लिखा है ग्रेट रिसेट में कि प्रोटेस्ट होगा, दे नो हाउ टू हैंडल प्रोटेस्ट, पीसफुल वे से प्रोटेस्ट हैंडल। तुम्हारे बैंक खाते, अपने आंदोलनकारी सारे 95% ऑफ देम डोंट नो क्रिप्टो करेंसी। बैंक में खाता है, तुम्हारा जमीन है, तुमको बुलाएंगे, क्या रे बहुत प्रोटेस्ट करता है तू, बैंक में पैसा है ना तेरा, ले लेंगे तेरा प्रॉपर्टी, ले लेंगे गोल्ड सिल्वर। तो मतलब अनलेस दे आर वेल वर्स्ड विद क्रिप्टो,
सरकार से लड़ नहीं सकते बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम, सिस्टम डूब गया तो वो लोग भी डूबेंगे। क्रिप्टो करेंसी मेनली हर एक को आना ही चाहिए, क्योंकि ये जो लड़ाई चालू है, इन दिस वी कैनॉट ट्रस्ट द सिस्टम एंड द गवर्नमेंट। और अगर तुम्हारी डिपेंडेंसी आती है, कम से कम डिपेंडेंसी करो, उतना तुम ज़्यादा सेफ रहोगे। लेकिन ये कुछ ख़त्म नहीं होगा, प्रोटेस्ट से उनका नुन्नी भी नहीं हिलेगा, कुछ भी नहीं होगा, उनको सत्ता से उठाना पड़ेगा। और ये कैसा, ये जो इवेंट है, ये इवेंट के जीत पे फेस्टिवल भी 100% सेट होगा। इवन पुराने ज़माने में भी कुछ एक्चुअली राक्षस बोलते थे, लेकिन ट्राइब्स रहते थे, तो ये ट्राइब्स कंटिन्यूस झगड़ा चालू रहता था। वो ट्राइब आके इधर ट्राइब में घुस के इधर के लोगों को मारेगा, फिर इधर का ट्राइब, तो कौन सा तो एक ट्राइब जीत गया, वो जो रोज का झंझट था वो ख़त्म हो गया। तो वो लोग ने एक सेलिब्रेशन रखा, तो वैसे फेस्टिवल सारे सेट हुए हैं कुछ हिस्टोरिक इवेंट के बाद। तो ये भी एक हिस्टोरिक इवेंट है जिसमें एक बेवकूफ चाय वाला रोज आके बोलता है नया वेरिएंट आया, चड्डी पहनो, घर पे बैठो, हाथ धो, और लगातार पब्लिक को बर्बाद करने के लिए स्टेप्स ले रहा है, जीएसटी बढ़ा रहा है। अभी जीएसटी ये लोग ने पीछे लिया कपड़े और जूते का, कुछ दिनों बाद 1-2% लगाएंगे, फिर 1-2%, 1% बढ़ा दिया, 1% बढ़ा दिया, जैसा पेट्रोल में करते थे, रोज भाव बढ़ाते थे। या फिर कुछ इवेंट हो गया, सबका ध्यान उधर है, तो ये छुपके से जीएसटी बढ़ा देगा। इसका काम ही है लोगों की परेशानी बढ़ाना, कंटिन्यूस तकलीफ देना। वो चाहता है कि लोग पुराने कपड़े पहने क्योंकि नए कपड़े बनाने पड़ेंगे, और नए कपड़े बनाएगा तो पोल्यूशन होगा, इसलिए वो चाहता है कि तुम एक जोड़ी कपड़े में ही सादगी लाए, तुम्हारे जीवन में एक जोड़ी कपड़ा ही पहने। और कार अगर सिटी में चलाते हो, इतना सावधानी से चलाना पड़ेगा, सब जगह कैमरे लगे हैं, झूठा फोटो निकाल के भी कुछ किया नहीं रहेगा तो भी फाइन मारता है, 2,000 रुपया फाइन कर दिया है। अगर ये एक छोटा गलती के लिए 2,000 भरने लगे और रोज गलती करे तो वो तो वाइप आउट हो जाएगा। सारे नियम बन रहे हैं पब्लिक को परेशान और बर्बाद और इकोनॉमिक कंडीशन खराब करने के लिए, प्लस इमेजिनरी वीरू पे इन टोचन लगाया जा रहा है, और वो टोचन में क्या है मालूम नहीं, सरकार को भी मालूम नहीं, वो ट्रेड सीक्रेट है, लेकिन जबरदस्ती करके हर एक के बॉडी में टोचन डाला जा रहा है, और टोचन से मर रहे हैं एक्चुअल में लोग। कैसे, देखो ये लोग का क्राइटेरिया क्या है, अगर तुमने 2 बार टोचन लिया है और 2 बार टोचन लेने के बाद 14 दिन के बाद अगर तुम ऊपर जाते हो तो फिर टोचन कैसे हुआ ऐसा बोलेंगे, लेकिन अभी तुमने 1 टोचन लिया और 1 घंटे में मर गया तो तू वीरू से मर गया, वीरू से ऊपर गया। तो क्राइटेरिया देखो ये लोग का, ये लोग बहुत सारे लोगों को टोचन से एक्चुअल में क्लाउड में पहुंचा रहे हैं और नाम वीरू पे डाल रहे हैं। तो ये इनका जो स्टैटिस्टिक्स और जो डेटा है वो मैनिपुलेटेड है, वो झूठा है। जो ये लोग वीरू से ऊपर गए बोल रहे हैं ना, वो लोग ने 1 डोज लिया, 2 लिया हुआ है वो लोग ने डोज, और बाद में उसका हार्ट का प्रॉब्लम हो गया ना, तो ये लोग बोलते हैं उसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल, शुगर बढ़ गया है, बीपी बढ़ गया है, शराब पीता था, सिगरेट पीता था, इसलिए मर गए। और यंग लोगों को भी हो रहा है क्योंकि खाना पीना बराबर नहीं, तो पूरा झूठ पे चल रहा है और टोचन से ही ऊपर पहुंचाया जा रहा है लार्ज स्केल में। फुटबॉल, पहले कभी देखा था क्या फुटबॉल प्लेयर खेलते खेलते रुक गया उसका, ये पहले कभी नहीं देखा था, अभी कंटिन्यूस देख रहे हो ना, यंग लड़के
अचानक जिम करते करते पहले कभी सुना था क्या? रेयरली कभी तो होता रहेगा, बट अभी काफी रेगुलर स्केल में हो रहा है क्योंकि टोचन लिया है, और टोचन नहीं लिया रहेगा तो जिम में आने भी नहीं देते। तो ये मैसिव लेवल पे वल्ली देने का रिचुअल चल रहा है। गधे लोग जो है मजाक उड़ा रहे कि कब ऊपर जाएगा, गधे लोग वीरू है ही नहीं, और तुम्हारे बॉडी में कुछ तो डाला जा रहा है, अक्कल नहीं है क्या? मतलब और तीन तीन महीने में डाला जा रहा है, छः छः महीने में तुम डाल रहे हो, फिर भी टेस्टिंग कर रहे हो तुम्हारा। स्कूल में अभी टीचर और स्टाफ का वापस नाक में काड़ी घुसाने का ऑर्डर आया है, सारा स्टाफ का जो एम्प्लॉयज है उनके नाक में काड़ी घुसाने का ऑर्डर आया है। तो ये हरेसमेंट चालू है, हर 15 दिन में नाक में काड़ी जाता है जानबूझ के, कुछ है नहीं फिर भी एक मीनिंगलेस नंबर्स के लिए आदमी को गिनी पिग बनाया जा रहा है। दिस इज अ सीरियस इवेंट। जो गधे लोग मजाक उड़ा रहे कि ये क्या चल रहा है, अच्छा है वो लोग ने टोचन लिए ला है तो तुम्हारे अंदर टाइम बॉम्ब डाला हुआ है और तुमने गलती किया हुआ है, इसलिए तुम पॉजिटिव सोचने के लिए मजाक उड़ा रहे हो कि टोचन में कुछ नहीं था क्योंकि तुमने लिया हुआ है। तो लकी होगे तो पानी रहेगा, अनलकी रहोगे वो तो समझेगा ही, डाइमर और जो दो टेस्ट हमने बोले थे वो करके देखो पता चलेगा, या ज़्यादा भाग के देखो, हाँ छाती ये जब रुकेगा ज़्यादा भाग के तभी समझ जाएगा कि क्या डाला है अंदर।